चलिए आज एक स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? द फॉक्स एंड द क्रो। द फॉक्स एंड द क्रो, यानी द फॉक्स एंड द क्रो। वंस क्या है? वंस अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड फ्लू विथ इट ऑन अ ट्री। क्या बोल रहा है? वंस अ क्रो, एक बार एक क्रो फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड। क्रो को क्या मिला? एक पीस ऑफ ब्रेड मिला। ब्रेड जिसे आप लोग जानते हैं, रोटी का टुकड़ा या फिर ब्रेड, कोई भी चीज़ ब्रेड भी हो सकता है या रोटी का टुकड़ा भी हो सकता है। तो वंस अ क्रो, एक बार एक क्रो फाउंड मीन्स क्या होता है? पाया। फाउंड मीन्स पाया अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का पीस पाया। एंड फ्लू विथ इट ऑन अ ट्री, कहाँ पे फ्लू हो गया? वो ट्री पे, ट्री के ऊपर वो उड़ गया। अ फॉक्स, यहाँ देखिए अ फॉक्स पास्ड बिलो द ट्री। क्या बोल रहा है? उसी ट्री के नीचे कौन था? एक फॉक्स पास हो रहा था। उस फॉक्स के, उस पेड़ के नीचे क्या हो रहा था? एक फॉक्स पास हो रहा था, मतलब वह उस पेड़ के नीचे जा रहा था। देखिए यहाँ पे ये जो ट्री है और यहाँ पे फॉक्स है और ये ट्री के नीचे से फॉक्स गुजर रहा था। ठीक है, ही सा क्या है? ही सा द क्रो विथ द पीस ऑफ ब्रेड। क्या देखा उसने? कि एक क्रो है जो पेड़ पर बैठा है और उसके मुंह में क्या है? अ पीस ऑफ ब्रेड, मतलब एक ब्रेड का टुकड़ा है। अब जो फॉक्स था उसके मुंह में पानी आ गया, उसे अब पीस ऑफ ब्रेड चाहिए था, तो उसने अपना दिमाग लगाया। ठीक है, ही वॉन्टेड द ब्रेड, ही वॉन्टेड द ब्रेड। वह ही वॉन्टेड मतलब ही वॉन्टेड द ब्रेड, वो वॉन्टेड मीन्स चाहना होता है। तो वॉन्ट किया, चाहा, वह ब्रेड को चाहा, वो चाहा कि वो ब्रेड मुझे मिल जाए। सो ही सेड क्या है? सो ही सेड, उसने कहा। ओह क्रो, क्या बोला? ओह क्रो व्हाट ब्यूटीफुल फेदर यू हैव। क्या बोल रहा है? ओह क्रो व्हाट ब्यूटीफुल फेदर यू हैव। बोल रहा है कि ओ क्रो, तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर पंख हैं। क्या बोल रहा है फॉक्स क्रो को पटाने के लिए? कि ओ क्रो, तुम्हारे फेदर तो बहुत सुंदर है। फेदर मीन्स क्या होता है? पंख। सो योर वॉइस मस्ट बी ब्यूटीफुल टू। क्या बोल रहा है? कि जब तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं तो तुम्हारे जो वॉइस है, तुम्हारी जो आवाज़ है, वो तो और सुंदर होगी। प्लीज़ लेट मी हियर यू सिंग। बोल रहा है कि प्लीज़ मीन्स क्या होता है? कृपया। प्लीज़ मीन्स कृपया। लेट मी हियर यू सिंग, क्या मैं तुम्हारा गाना सुन सकता हूँ? क्रो को फॉक्स बता रहा है कि मैं तुम्हारा गाना सुन सकता हूँ क्या? तब क्रो के मन में तो लड्डू फूटने लगे। तब उसने क्या किया? द सिली क्रो, सिली मीन्स क्या होता है? मूर्ख। द सिली क्रो, जो ये क्रो था, ये जो क्रो था, ओपेंड हिज माउथ, वो तो बहुत ही खुश हुआ कि अरे मेरा गाना भी कोई सुनना चाहता है। और उसे दिमाग में ये था ही नहीं कि मेरे जो बिक है उसमें क्या है? ब्रेड है। उसे नहीं याद रहा और उसने गाना गाने के लिए क्या किया? अपना मुंह ओपन किया। द सिली क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग, क्या कर लिए? सिंग करने के लिए। द सिली क्रो ओपन हिज माउथ, अपना माउथ ओपन किया टू सिंग, किसके लिए? गाने के लिए। एज सून एज ही opened his beak, as soon as he opened his beak, और जैसे ही उसने अपना मुंह
अपना चोंच ओपन किया, क्या बोल रहा है, द पीस ऑफ ब्रेड फॉल फ्रॉम हिज बिक, क्या हो गया, उसके बिक से पीस का जो ब्रेड का पीस था, पीस ऑफ ब्रेड था, जो ब्रेड का टुकड़ा जो क्रो के मुंह में था वो क्या हो गया, नीचे गिर गया। द क्लेवर फॉक्स, क्या बोल रहा है, द क्लेवर फॉक्स, जो फॉक्स था चालाक लोमड़ी, पिक्ड इट अप, इसे पिक्ड किया और पकड़ लिया, एंड रन अवे, एंड रन अवे, क्या बोल रहा है, और रन अवे लाफली, रन अवे, रन अवे लाफली, रन अवे लाफली मतलब वह हंसते हुए वहाँ से पीस ऑफ ब्रेड को पकड़ा अपने मुंह में और यहाँ से भाग गया, और यहाँ से क्या हो गया, भाग गया। ठीक है, इस प्रकार हमें दूसरों के मूर्ख बनाने पे हमें नहीं मूर्ख बनना चाहिए और हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।